नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, ये एक छोटा सा उपाय है। ये उपाय आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इस उपाय को करने से शनि के जो भी प्रकोप आपकी लाइफ में आ चुके हैं, जब शनि आपको तकलीफ देता है तो बड़ी तबीयत से देता है, चारों तरफ से बर्बाद कर देता है। नौकरी धंधे बंद हो जाते हैं, घर के अंदर कलह कलह कलह, पर्स खाली है। लोग जो कल तक आपको सलाम मार रहे थे, वो आपका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। दोस्तों, ये सब समय की ही महिमा है ना? समय ही आपको मान सम्मान दिलाता है और समय ही आपको नरक का द्वार भी दिखा देता है। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। भीले लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। सुना होगा आपने कि कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा नहीं होता है, उसे लगने लग जाता है। जब कंडीशंस उसके साथ होती है, सफलता उसे मिलने लग जाती है, तो उसे लगता है कि यस 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 यस, ये जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं दूसरों से अलग हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं ये, मैं वो, मैं वो, मैं वो, मैं वो, और भ्रम में फंस जाता है। और बिल्कुल इससे उल्टा होता है। जब कोई भी इंसान दुख को भोगता है तो उसे ये लगता है मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ, और इसीलिए मेरी लाइफ में इतनी सारी तकलीफें हैं। दोस्तों, ये सिर्फ समय है। हर जीव एक जैसा है। कभी दुख के समय में कमजोर ना बने, और अच्छा अगर समय आता है तो अपने आप को बहुत बलवान समझ करके कमजोर को दबाए, नहीं गलत काम ना करें। बस ये जो समय आता है, ये समय ही आपकी परीक्षा लेने के लिए आता है कि आप किस चीज के लायक हो। आपको मुझे कहाँ बिठाना है, ये प्रकृति नक्की करती है आपकी क्वालिटी देख करके। समय बहुत बलवान चीज है। अर्जुन के एक तीर से ब्रह्मांड में बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते थे। बड़े बड़े योद्धा धनुर्धर अर्जुन के नाम से कांपते थे। कोई अर्जुन का सामना नहीं कर सकता था, जबकि अर्जुन के सामने ही भीलों ने गोपियों को लूट लिया और अर्जुन कुछ नहीं कर पाए थे। उनके पास धनुष बाण सब कुछ थे। तो ये समय है दोस्तों, और समय की ऊंच नीच जिन लोगों ने देखा है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि समय क्या होता है। फिर से बताऊं, जो लोग आपकी चंपी कर रहे होंगे, जो लोग आपको सलाम मार रहे होंगे, जो आपके नाम से डर रहे होंगे, वो इंसान आपके खराब समय में आपके हुल्ले उड़ाएंगे, आपकी मस्करी करेंगे, आपके मजाक उड़ाएंगे। और उस समय भी यदि आप खड़े रहे, आगे बढ़ते रहे, तो आप सच में मजबूत हैं। दोस्तों, समय को ध्यान में रखें बस, और आगे बढ़ते रहे। कभी भी कमजोर समय में डरे नहीं, घबराए नहीं। आज जो मैं आपको जानकारी देने के लिए जा रही हूँ, ये जानकारी दोस्तों आपको बहुत मजबूत बना देगी। कई बार कई हमारे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि मुझे इस पर बिलीव नहीं है, उस पर बिलीव नहीं है, यदि ऐसा होता तो इंसान ये हो जाता, ये होता तो वो हो जाता। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। सब कुछ संभव है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ये जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, कर्महीन नर, कर्म करो, विश्वास से करो, मजबूताई से करो, आज नहीं तो कल रिजल्ट को तो आना है, तभी तो आप कर्म कर रहे हो। आपको अपने कर्मों पर विश्वास होना चाहिए। एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ दोस्तों, ये उपाय आपकी लाइफ को बदल देगा यदि आपने इसको विश्वास से किया, हर शुक्रवार करना शुरू कर दिया। ये उपाय जब मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों, काफी लोगों को इसमें बहुत अच्छा फायदा हुआ, और कुछ यूट्यूबर्स जिन्होंने इस कंटेंट की जबरदस्त चोरी की, कुछ तो दोस्तों यूट्यूबर्स ने हमारी जो भी वीडियो थी इलायची के ऊपर, सारे ही चैनल पर, सारी ही वीडियो को देखा और उन पर वीडियो बनाई। सोचे सोचे सोच कर देखो, जो कंटेंट दूसरे लोग चुराते हैं और उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, उसका कंटेंट की थोड़ी कदर करो, पहचानो ये कितना पावरफुल कंटेंट है, कितना पावरफुल मैटर है। तकलीफ आप में है कि आप विश्वास नहीं कर पाते।
इस उपाय को आप करके देखना जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। लेकिन उपाय बताऊ उसके पहले मुझे याद आ गया, मैं आपको बता दूं, लाइक करें वीडियो को, क्योंकि जानकारी अच्छी है मुझे पता है। और दोस्तों जो नए नए व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहे। जो हमारे करंट सब्सक्राइबर्स हैं, जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची आती है, हरी होती है, छोटी छोटी, जो हम खीर में डालते हैं, सब्जी में भी डाल लेते हैं। वैसे सब्जी में डालने के लिए जो इलायची आती है वो बड़ी होती है, ब्राउन कलर की होती है। इसका आकार भी छोटी इलायची जैसा ही होता है, लेकिन इसका कलर डार्क होता है, ब्राउन होता है, कुछ ब्लैक जैसा। और इसके जो दाने होते हैं वो तो कंप्लीट ब्लैक ही होते हैं। दाने का जो आकार है, जो शेप है, वो भी छोटी इलायची के दानों जैसा ही होता है। और ये इलायची गर्म मसाले में मिल जाएगी, या आप कहीं पर भी ग्रोसरी की दुकान में जाएंगे वहां आप बोलेंगे मुझे बड़ी इलायची दो, वो दे देगा, ठीक है। ये इलायची दोस्तों आपके शुक्र को तो मजबूत बनाती बनाती है, शनि के प्रकोप से भी आपको बचाती है। जो इसका टेस्ट है, जो इसका नेचर है, वो शुक्र को मजबूत बनाता है, लेकिन जो इसका कलर है वो शनि के प्रकोप को शांत कर देता है। तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन नहाने के समय, नहाने से थोड़ी देर पहले आप गैस पर, चूल्हे पर थोड़ा सा पानी रख दें, और उस पर उसमें एक या दो इलायची आप डाल दें। पानी को बराबर पक जाने दें, बराबर पकने दें, खोल जाने दें, और उसके बाद आप उसमें से इलायची निकाल लें, और जो नहाने का आपका पानी है उसमें आप उस पानी को मिला दें, ठीक है। और उस पानी से दोस्तों आप स्नान करना शुरू कर दें। हर शुक्रवार यदि आप इस क्रिया को करते हैं, मैं आपको गारंटी देती हूं शनि आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि शुक्र आपका मजबूत होगा। और शुक्र को यदि आप काली इलायची से, बड़ी इलायची से मजबूत बनाते हैं, तो शनि कभी आपके रास्ते में नहीं आएगा, गारंटी है, गारंटी। करके देखो, बहुत छोटा सा उपाय है, कोई भी इसको कर सकता है, किसी भी शुक्रवार से करें। अभी नवरात्रि है, और अच्छा है अच्छे दिन से शुरुआत करें, इसके बाद भी करना चाहे करें, शुक्रवार के दिन से करें बस, और रिजल्ट देखें। जीवन को सुखी बनाना, समृद्ध बनाना, संपन्न बनाना सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में है। इंसान को वही मिलता है जो वो कर्म करता है, तो कर्म अच्छे करें, उपायों को मन से करें, पूरी आस्था से करें, और करते रहें, खुश रहें, हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।